बाबर आजम के फैंस के लिए बुरी खबर। जी हाँ, बाबर आजम को बर्थडे के मौका पर टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जी हाँ, आज बाबर आजम की बर्थडे थी, उनको गिफ्ट देने की बजाय उनको ये न्यूज़ सुनाई गई है कि आप दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। जी हाँ, कमेटी का ये कहना है कि 9 इनिंग्स में बाबर आजम ने 17 बार बैटिंग की और 17 बार को अच्छा स्कोर करने में कामयाब नहीं हुए, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि बाबर आजम मजीद टीम में नहीं खेलेंगे, उनको रेस्ट दी जाए। आप क्या कहते हैं, बाबर आजम के फैंस होने के नाते क्या बाबर आजम को मजीद चांस देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? मेरे ख्याल से तो बाबर आजम को इस सीरीज़ में चांस देना चाहिए था, वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। आप इस बारे में क्या कहते हैं?